फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सावन का एक तो महीना इतना खूबसूरत बारिश का चारों तरफ, पर जो काम वाले लोग हैं उनको थोड़ी इरिटेशन भी होने लगी है बारिश से, किचकिच होती है बाहर। जिनको पैदल चलना पड़ता है उनके लिए थोड़ी परेशानियां भी हैं, पेडलर्स के लिए खास करके बहुत सारी मुसीबतें हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सब जगह होने लग गई है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों अपना, और साथ ही साथ जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो इसमें आपको मैं बता दूँ, जो सावन का महीना है उसमें शिव बाबा, जो हम शिव जी को चीज़ें चढ़ाते हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसका बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। जो भी चीज़ें हम शिव जी को चढ़ाते हैं, एक्चुअली वो चीज़ें हमें सावन के महीने में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं दूध की, दूध हमें इस समय बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दूध में, हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों आदि में दोस्तों, इसलिए वो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो वर्जित होती है शिवजी पे चढ़ाना, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, हल्दी आदि आपको शिवजी पे, हल्दी और तुलसी भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। केतकी के फूल होते हैं उससे शिवजी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हम अभिषेक करते हैं, जैसे तिल, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस महीने में अगर हम तिल से स्नान करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हर प्रकार की बीमारियों से हमें दूर रखता है। इसी तरह से रात में घर में सोने के पहले शिवलिंग के पास आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, साथ में थोड़े से तिल, काले तिल दीपक में ज़रूर चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, शिवजी की पूजा में कुछ चीज़ें होती है जो करने से माना जाता है कि शिव बाबा नाराज़ हो जाते हैं, और वो काम हमें बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करने चाहिए। एक तो मैंने जैसे बताया आपको हल्दी तुलसी, आप हल्दी को चढ़ा सकते हैं, पर कहाँ चढ़ाना है आपको? जलाधारी पे चढ़ाना है। जलाधारी को पार्वती माता का प्रतीक माना जाता है और स्त्री से संबंधित होती है हल्दी, इसलिए शिवजी का लिंग पुरुष तत्व है, उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। जलाधारी पे आप, वो स्त्री संबंधित है, आप आराम से उस पर हल्दी चढ़ा सकते हैं। दूध दोस्तों वात का बढ़ाता है। अगर आप दूध का सेवन करना भी हो आपको इस सीज़न में, जैसे स्पेशली छोटे बच्चे कुछ दूध के बिना नहीं रहते हैं, कुछ लोगों को हैबिट होती है कि दूध के बिना रह ही नहीं सकते, मॉर्निंग होते ही दूध चाहिए चाहिए, रात को सोने के पहले दूध चाहिए ही चाहिए, ऐसे में उसको खूब उबाल करके फिर प्रयोग में लाएँ। कच्चा दूध भूल से भी प्रयोग में ना लाएँ। सावन में आप चाहें तो दूध का दही बना करके आराम से आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम साग की। साग जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती है, यूजुअली हम क्या कहते हैं, आप उसको खाइए तो चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, आप उसको खाएंगे तो आपकी शाइनिंग आएगी, बालों में शाइनिंग आएगी, हेल्थ के लिए मिनरल्स बहुत होते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा होती है। दोस्तों, साग को सेहत के लिए गुणकारी तो बहुत माना गया है, लेकिन सावन में साग को वात बढ़ाने वाले तत्व से भी माना जाता है, उनकी मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। जैसे ही सावन के महीने में और स्पेशली भादवों में भी आपको साग का सेवन नहीं करना है। कुछ लोग बैंगन बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में साग के बाद बैंगन ही एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। आपको पता होगा कि इवन कार्तिक के महीने में भी इसी वजह से बैंगन नहीं खाते, क्योंकि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध माना जाता है। इसका धार्मिक कारण ये है कि वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लग जाते हैं और इसीलिए हम बैंगन को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, बुरे विचारों से बचें। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, काम वासना और धर्म के बारे में सोचना, दोस्तों स्त्रियों के बारे में गलत सोचने से या उनको गलत नज़र से देखने से बचना चाहिए, अधार्मिक कार्य, किसी की नुकसान करना, चुगली करना आदि से भी बचना चाहिए। सावन माह में अच्छी अच्छी किताबों का, अच्छे अच्छे साहित्य का, या यूट्यूब या इस पे भी आप देखते हैं, अच्छी चीज़ों को सुने और पढ़ें, इससे आपके स्वभाव में चेंजेस आएंगे, आपका स्वभाव पॉजिटिव और शुद्धताई की तरफ
तरफ रहेगा और गलत विचारों से आप बचे रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, सावन के महीने में अपने माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों इनका भूल से भी अपमान ना करें। अपने जीवन साथी का कुछ पति पत्नी आपस में टकराव हो जाता है तो गलत गलत शब्द एक दूसरे को बोलने लगते हैं, ऐसा ना करें दोस्तों। अपने माता पिता मित्र ज्ञानी लोग जो भी हैं सबका सम्मान करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा आप कितनी भी पूजा कर लें, आप घर में अपने घर वालों को नाराज कर रहे हैं और भगवान के सामने बैठ करके पूजन कर रहे हैं, ऐसी पूजा किसी काम की नहीं होती है। दोस्तों हमारे जो आसपास लोग हैं हमारे परिवार वाले हैं वो ही हमारे सबसे पहले भगवान हैं, पहले उनको प्रेम दें, पहले उनकी सेवा करें, बाद में उस शिव जी को जल चढ़ाएं, देखिए आपके घर वाले खुश होंगे। आज की दुनिया में जब न्यूक्लियर फैमिलीज की दौड़ बढ़ गई है दोस्तों, मैं खुद ही सोची थी कहाँ से आएंगे वो चाचा ताऊ, कहाँ से आएंगे मौसियाँ, दोस्तों कहाँ जाएंगे रिलेशन। अभी की शादियों में हम कितना इंजॉय करते हैं, पर आने वाला जनरेशन में मुझे लगता है कि शादी में लोग इकट्ठे करना मुश्किल हो जाएंगे। एक तो सब लोग बिजी शेड्यूल हो गया है सबका, सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी, कुछ सच में बिजी होते हैं और कुछ दिखावा करते हैं बिजी होने का, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसी दुनिया में जब लोग नहीं रह गए हैं, सच्ची पूजा है अपने जो रिलेशंस हैं उनको संभाल कर रखें। दोस्तों पूजा के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैम देखिए रात भर अगर आप जगेंगे दोस्तों तो ऐसी बहुत वाजिब सी बात है, ये सुबह आप नहीं उठ पाएंगे। रात को टाइमली सोया करें, सुबह इससे आप जल्दी उठ पाएंगे और सुबह का उठा हुआ जितनी फिटनेस रखता है आपकी आयु लंबी करेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और जो आप मुझे लिखते रहते कि मैम मैं ये पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैम मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, दोस्तों आप सिर्फ हार्डवर्क करिए, सुबह टाइमली उठिए और मोटिवेशन के साथ काम करिए। देखिए कोई रीज़न नहीं है कि आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और शिव जी की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो सुबह सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ दें, सुबह के समय मन बहुत ही शांत रहता है, इस वजह से पूजा में पूरी एकाग्रता हो पाती है और एकाग्रता से की गई पूजा का फल बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। दोस्तों सावन के महीने में मांसाहार आदि जो लोग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। धर्म में ऐसे भी जीव हत्या को पाप कहा गया है और अगर आप साइंटिफिक रीज़न मुझसे इसका पूछे तो सावन में आसमान में बादल छाए रहते हैं, इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई ही नहीं देते हैं। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती है, इससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है और इन दिनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से खाना हमारा पचता नहीं है। इसलिए दोस्तों मांसाहार खाएंगे तो आपका स्टमक अपसेट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हर तरह के कीड़े मकौड़े पैराजाइट्स मांसाहार में होते हैं, पैराजाइट्स की मात्रा बहुत बढ़ी हुई रहती है, इससे आपके भी शरीर में जो पैराजाइट्स है या जो हम हिंदी में क्या कहते हैं उसको जोंक होते हैं, जो कीड़े होते हैं पेट में हमारे जोंक होते हैं, वो सबकी मात्रा बढ़ जाती है, वो मांसाहार के थ्रू आपकी भी बॉडी में आ जाते हैं, इसलिए दोस्तों मांसाहार खाने से बचना चाहिए। दोस्तों पूजा पाठ सब करना चाहिए पर घर में भूल से भी क्लेश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं पूजा पाठ हो रहा है क्लेश करते रहते हैं, नहीं, जो पूजा पाठ करेंगे वो कभी क्लेश कर ही नहीं सकते हैं। आप दिल से पूजा कीजिए दोस्तों, विशेष ध्यान रखें कि घर में क्लेश ना हो, कोई अगर चिल्ला रहे चिल्लाने दीजिए, सामने वाला कितनी देर चिल्लाएगा अपने आप चुप हो जाएगा जब आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इस तरह से घरों में अगर क्लेश होता है अशांति रहती है दोस्तों, वहाँ पर देवी देवता निवास नहीं करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, चाहे शिव जी हो या कोई भी देवी देवता हो। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते जाएं, बार बार माफ़ करें, बार बार कहाँ जाएंगे दोस्तों, आपको एक नया पार्टनर खोजेंगे, शायद उसमें इससे भी ज़्यादा फ्लॉज हो, तब आप क्या करेंगे, तब तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जो है अपने पास है उसको एक्सेप्ट करके रखना सीखिए। पुराने ज़माने में अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी के बारे में सोचें, कैसे वो एक साथ रहते थे, अलग अलग एज के लोग, पहले के ज़माने में डिफरेंसेस होते थे 15-15 साल के, फिर भी वो खुश होते थे, सेटिस्फाइड होते थे, बिकॉज उनकी नीड्स कम होती थी, एक दूसरे को माफ़ करना जानते थे और एक्सपेक्टेशंस को कम रखें लाइफ में, तो कभी भी आप हर्ट नहीं होंगे।
दोस्तों घर में क्लेश अगर करके आप पूजा करते हैं तो कोई सक्सेस नहीं होता है, हमेशा माफ करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और शांति से खूब खुशी खुशी दिल से पूजा करें, 5 मिनट करें पर दिल से पूजा करें। दोस्तों अपने गुस्से पर काबू रखें। मुझसे एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं नीलव जी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैम मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं? आपको पता है गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बी अ सुपरमैन? सुपरमैन बनने की मत सोचिए, सुपर वूमन बनने की मत सोचिए। ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ लाइफ में। दोस्तों ये मैं आपको अपने अंदर के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं चाहती थी कि आई शुड बी बेस्ट इन एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम बेस्ट नहीं हो सकते हैं, दूसरों को भी ऊपर आने के चांसेस देने चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी लोग बढ़ना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। आप अपनी धीमी गति से चलते जाएं, खुद से कम एक्सपेक्ट करें। अपने अंदर अगर नेगेटिव्स है, मैं हो सकता है अच्छा नहीं बोलती हूँ, तो मुझे ठीक है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं बहुत अच्छा नहीं बोलती हूँ, मेरे से अच्छा लोग बोलते हैं, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। जब मैं इस कमी को अपने एक्सेप्ट कर लूँगी, वो टाइम होगा जब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं, बिकॉज आई एम लाइक दिस। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने सिचुएशंस, आपको अगर पता है कि मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा है, ठीक है, शी इज अनॉयड, जब टाइम होगा अपने आप शांत हो जाएगी, आ जाएगी। अगर मेरा बच्चा मुझसे गुस्सा है, कोई बात नहीं, शांत हो जाएगा। अपने आप पे संतोष रखे, एक्सेप्ट करे। जिस सिचुएशन में आपके पास पैसे नहीं है, पर्स खाली है, एक्सेप्ट इट, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी दूसरे को नहीं दिखाना है। अक्सर हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हम दूसरों से कंपीट करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, और जब हमको लगता है कि हम उनके टक्कर में कहीं खड़े नहीं हैं, तब मनुष्य अपने आप से नाराज़ हो जाता है। ऐसा ना करें दोस्तों, क्रोध को अपने अंदर ना आने दें, जितना है अपने पास। आपको पता है मेरे अंदर ये टचवुड है कि बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी आपको मैं अपनी बता रही हूँ दोस्तों, पर मेरे पास जितना होता है, आपको विश्वास नहीं होगा, पर मेरे पास पर्स में मुझे जितनी अगर 10 रुपये की ज़रूरत है, मैं 10 ही रुपया रखूँगी, वरना हो सकता है मेरा पर्स खाली भी रहता है। मुझे पैसों से कोई लेन देन नहीं है। कोई अगर कहता भी है कि आपको पैसे, तो पैसे किस लिए चाहिए? मुझे सब कुछ मिलता है भगवान की दया से, मुझे खाना पीना कपड़े सब मम्मी पापा के थ्रू सब मिलता है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? दोस्तों जब हम सेटिस्फाइड होते हैं अपने सिचुएशन से, हमें पता है कि सब कुछ है हमारे पास, आप एक बार लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाइए और फिर आप देखेंगे आपको कभी भी क्रोध नहीं आएगा। कोई अगर आपसे कहते हैं आप बुरे हैं, तो आप उसके बोलने से आप बुरे नहीं हो रहे हैं। बुरे आप कब बनेंगे? जब आप अपने आप को कोसना शुरू करेंगे, अरे मुझे उसने ऐसे बोला, मैं बुरा हूँ, तब आपके अंदर क्रोध आता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर उस आवेश में जो आप फैसला लेते हैं, वो आपके लिए आगे लॉन्ग रन में नुकसानदायक होता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बुराई है अपने आप में खुद को घोटना, खुद को तड़पाना, दूसरा आपकी केयर नहीं करना है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसके पीछे क्यों दौड़ना है? अपने आप, वो आपका है तो आपके पास आएगा, नहीं है तो जाने दीजिए। उस चीज़ के पीछे दौड़ दौड़ के आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, ऐसा ना रखें। दोस्तों अपने आप को कोसना या अपने फ्रस्ट्रेशन में क्रोध करना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, और अगर आप सच्चे दिल से शिव जी की पूजा करते हैं, तो इस महीने आप ये एक्सपेक्टेशंस कम रखें, आप देखेंगे कैसे आपको क्रोध आना कम हो गया। और शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं आप सच्चे दिल से, तो आपको सबसे ज़्यादा खुद में शांति रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव कौन है? ओम है। ओम क्या है? शांति है। तो दोस्तों शिव वहीं आते हैं जहाँ पे ओम होता है, जहाँ पे शांति होती है। दोस्तों क्रोध से मन अशांत होता है, हमारा ओम खराब हो जाता है, हमारी शांति अशांति में कन्वर्ट हो जाती है, और इससे शिव जी बहुत बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये गलतियाँ आपको भूल करके भी सावन में नहीं करनी है। ये पूजा पाठ आप सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, पर अगर हम स्वभाव की ये छोटी छोटी बातें अगर चेंज नहीं करेंगे सावन के महीने में, तो हमारी सारी पूजा बेकार हो जाने वाली है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन से प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल बात है और सबके लिए जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ जी की।